नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टेज लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, समीकरण y ऋण 7 ऋण 8y बटे 9y ऋण 3 धन 4y बराबर 11 बटे 7 का सही हल है। इसको हल करेंगे तो इसका हल क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऋण है, उसके बाद ब्रेकेट दिया गया है, यहाँ पर भी ऋण है और इसके अंदर उसके बाद ब्रेकेट दिया गया है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि इस माइनस का इसके अंदर गुना करते हैं, फिर हम तिर्यक गुना करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है वाई, तो ये वाई, फिर ऋण क्या हो जाएगा 7, और ऋण का गुना होगा तो हो जाएगा धन 8y। उसी प्रकार से नीचे होगा 9y, उसके बाद ऋण का गुना यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा ऋण 3 धन और ऋण का गुना ऋण 4y बराबर 11/7। अब हम क्या करते हैं, अब हम तिर्यक गुना कर देते हैं, इसका गुना इस पूरे के साथ और इसका गुना इसके साथ, तो ये हो जाएगा 7y ऋण 7 धन 8y बराबर 11, 9y ऋण 3 ऋण 4y। अब इसका हम इस ब्रैकेट के अंदर गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं। 7 का गुना y से होगा तो 7y ऋण सती सती 49, 7 8 56y। उसी प्रकार से इधर करते हैं तो 11 निया 99y ऋण 11 3 33 धन और ऋण का गुना ऋण 11 4 44y। अब ये वाई वाई वाले को हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, 7y धन है 56y ऋण 49 बराबर 99y, उसको यहाँ पर ला देते हैं ऋण 44y ऋण 33। अब हम इसे जोड़ देते हैं, y और y दोनों सेम है और धन का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56 में से 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 5 और 1 6, तो ये हो गया 63y ऋण यहाँ पे हो गया 49। उसी प्रकार से इसमें यहाँ पे घटा देंगे, ऋण का चिन्ह है तो 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 4 गया 5, तो 55y ऋण 33। अब हम y वाले को एक साइड ले आते हैं, इसी साइड ले आते हैं, तो ये हो गया 63y, वो इधर आएगा, 55 तो ऋण में बदल जाएगा, 55y बराबर 33 ऋण 33, और ये उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। अब 63 में से 55 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, उसी प्रकार से यहाँ पर होगा y, 63 बड़ा है इसीलिए धन का चिन्ह लगेगा, और इधर हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, और ये 49 बड़ा है इसीलिए धन का चिन्ह। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 16/8, अब काट देते हैं 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो y बराबर हमारा मान आया है 2, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऐसे ही आपको समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।